नमस्कार, लिड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब हम बच्चों को घड़ी देखना सिखाते हैं तो हम उनको AM और PM भी सिखाते हैं, और जब हमें खुद भी कभी ट्रेन पकड़नी होती है रिजर्वेशन वाली, तब हम ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी किस समय पर है, तो उसमें 1 to 24 यानी कि 1 से लेकर 24 घंटे के अंतराल को 24 तक सीधे सीधे लिख दिया जाता है। लेकिन कई जगह 12 घंटे का टाइम स्लॉट होता है जिसमें AM और PM से पहचान की जाती है कि किस वक्त पर हमारी गाड़ी है या क्या है। कुल मिलाकर समय सूचक AM और PM शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिर ये AM और PM होता क्या है? तो हम नॉर्मली AM और PM अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। लेकिन क्या एंटी और क्या पोस्ट, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन AM और PM का उद्गम भारत में ही हुआ था, ये काफी रोचक बात है। भारत ने ही पहले AM और PM को दुनिया को बताया। AM का मतलब होता है अपराह्न और PM का मतलब होता है पूर्वाह्न। ये हम सभी जानते हैं कि पूरे सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, और AM और PM सूर्य के अनुसार ही बनाए गए। जब सूर्य चढ़ता है सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, उस समय को AM माना जाता है, यानी कि अपराह्न। आरोहण का एक मतलब हुआ चढ़ना, यानी कि जब तक सूर्य चढ़ता है तब तक AM होता है, और उसके बाद जब 12 बजे के बाद का समय होता है, जब सूर्य ढलना शुरू कर देता है, तब होता है अवरोहण यानी कि उतरना। तो इसी समय को PM यानी कि पोस्ट मेरिडियन कहा गया है। तो अगर आपको भी बच्चों को AM और PM का मतलब समझाना हो तो ये समझा दीजिएगा कि ये सूर्य से संबंधित है। जब सूर्य चढ़ता है तो AM शब्द का इस्तेमाल करेंगे यानी कि आफ्टर मेरिडियन, और जब सूर्य के ढलान का समय होगा तो PM का समय यूज़ करेंगे यानी कि पोस्ट मेरिडियन। तो कुल मिलाकर सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक का समय AM हुआ और उसके बाद का समय PM हुआ। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।